भारतीय टीम का वर्ल्ड कप का सपना पूरा होगा। जी हां, टीम इंडिया वर्ल्ड कप 2023 में ताबड़तोड़ अंदाज में शुरुआत कर रही है। इसके पीछे कप्तान रोहित शर्मा का आक्रामक खेल शामिल है। वे इस साल टीम की ओर से सबसे तेजी से रन बनाने वाले बैटर भी हैं। टूर्नामेंट की बात करें तो टीम अब तक खेले सभी 8 मैच जीत चुकी है। टीम पॉइंट्स टेबल पर नंबर 1 पर है। टीम इंडिया वर्ल्ड कप 2023 में ताबड़तोड़ अंदाज में शुरुआत कर रही है। इसके पीछे कप्तान रोहित शर्मा का आक्रामक खेल शामिल है। वे इस साल टीम की ओर से सबसे तेजी से रन बनाने वाले बैटर भी हैं। टूर्नामेंट की बात करें तो टीम सभी मैच जीत चुकी है। एक साल में कम से कम 500 रन बनाने वाले भारतीय बैटर्स के रिकॉर्ड को देखें तो रोहित शर्मा स्ट्राइक रेट के मामले में सिर्फ वीरेंद्र सहवाग से पीछे हैं। सहवाग ने 2008 में 120 की स्ट्राइक रेट से 824 रन बनाए थे। स्ट्राइक रेट के मामले में पहली बार रोहित शर्मा वनडे में 48 शतक लगाने वाले विराट कोहली से आगे निकले हैं। विराट कोहली वनडे करियर में 5 बार 100 से अधिक की स्ट्राइक रेट से रन बना चुके हैं। रोहित शर्मा ने 2008 में 19 पारियों में 74 की औसत से 1030 रन बनाए थे। स्ट्राइक रेट 100 का रहा था। इसके अलावा रोहित ने 2017 में 99 की स्ट्राइक रेट से 1293 रन बनाए थे। 2015 में 95 की स्ट्राइक रेट से बनाए थे। साल 2023 की बात करें तो वनडे में भारत की ओर से अब तक सिर्फ 4 ही बल्लेबाज 500 से अधिक रन बना सकते हैं। रोहित शर्मा स्ट्राइक रेट के मामले में नंबर 1 पर हैं। उन्होंने 113 की स्ट्राइक रेट से अब तक रन बनाए हैं। सुमन गिल ने 104 और विराट कोहली ने 103 तो केएल राहुल ने 85 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं। वर्ल्ड कप 2023 में भारतीय बैटर्स की स्ट्राइक रेट को देखें तो कप्तान रोहित शर्मा 119 की स्ट्राइक रेट से रन बना रहे हैं। रोहित शर्मा के बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।